अच्छा चक्का उठाते हैं। भागना यार, डरवा दिया वो हमको। अरे अरे अरे, आप लोग बोलते हो कि भाई आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है, तो देखो ड्रीम बाइक जो है वो है। वेलकम बैक टू मंत्र ब्लॉग गाइस, आई होप आप से बढ़िया हो गए। तो देखो भाई, आज फिर से निकले हम लोग राइड पे, और आज कहाँ जाना है, क्या करना है, आई डोंट नो, क्योंकि इस बार का प्लान भी ओगी भाई ने फिक्स करा है। एंड अभी हमको जाना है कहाँ के, एंड ये वाली ब्लॉग भी काफ़ी लेट आ रही है गाइस, तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि देखो गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है वो अगर आप रांची में रहते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और हम चाहते नहीं कि हम बीमार हो जाएं। यार आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स इन्जॉय कर रहे हो, मुझे पता है आप लोग मेरी सारी ब्लॉग्स देख रहे हो। पुराने वाले मत देखना यार, बहुत ख़राब लगता है हमको। हाँ भैया, कहाँ? हम रिम्स के पास है। हाँ, चक्का उठाते हैं, ये गली है, गली में नहीं उठाते हैं, ठीक है? चक्का उठाते हो भैया बोलते हैं भाई, बच्चे लोग गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लगता है। अब मेरे को अपना जो एयर प्रेशर ना हो थोड़ा कम करना पड़ेगा, हवा बहुत ज़्यादा है पिछला टायर में, आगे का टायर में भी है बट वो चलेगा, बट पीछे का टायर बहुत बार स्किड करता है, और जब भी हम समझ रहे हो ना, जब भी हम करते हैं भाई थोड़ा स्किड करने लगता है। देखो हम यहाँ का जो टर्न है ना उसके बारे में पिछली बार बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको टर्न तो मिल रहा है, साथ में आपको स्पीड ब्रेकर भी मिल रहा है, समझ रहे हो, मतलब बाय वन गेट वन फ्री, देख लो यहाँ पे भी है, आगे में भी वहाँ पे है, मतलब लगातार आपको तीन स्पीड ब्रेकर मिलेंगे थोड़ा थोड़ा दूर में। वैसे यहाँ पे रांची कॉलेज है, आगे ये टेम्पो खड़ा है, देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक ठीक। अरे भाई चाचा कारोल सीन। तो फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे फतरातु, और काफ़ी लेट हो चुका है। पिछले बार तो हम ऐसे ही बोले थे पापा को कि हम दही लेने जा रहे हैं, ये लोग हमको लेके चला गया था पतरातू, और इस बार पापा को बोले नहीं, और ये जगह वही जगह है जहाँ पे ओगी भाई का फ़ोन सांप बना था एकदम। हाँ देखो ये लोग आया है काफ़ी लेट से, यही लोग के चलते राइड जाने पर हम लोग लेट होते हैं। है तो अंदर में, वहीं पे अंदर में छेदा नहीं दिखाई, छेदा नहीं दिखा रहा। नोटी नोटी चलो, हवा कम करो। हाँ छेदा देखने में आसानी होगा, हरामी मानुस। अरे भाई क्या हालत हो रखी है बाइक की, इसको वॉश कराना पड़ेगा गाइस, दो दिन से निकले नहीं है। हो रहा है, हो रहा है। बस स्लिप नहीं करना चाहिए जब हम विली पॉप अप करें तो। और पतरातु राइड के भाई मजे अलग हैं, बिल्कुल अलग। एंड जब अपने बॉयज लोग के साथ जाते हो ना तो भाई और ज़्यादा मज़े, एकदम मज़े इनटू 100। देखो भाई अभी थोड़ी देर बाद सनसेट होने वाली है, इस बार का सनसेट हम लोग पतरातु वैली में देखेंगे। चलो 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 भाई। एंड आप लोग बोल रहे थे कि भाई MT-15 की टॉप पेंट कितनी है, तो देखो हम इसको हार्डली भगाए हैं 137, उसके लिए प्रॉपर रोड होनी चाहिए, एकदम खाली रोड भाई। अब यहाँ पे हम 130 भगा नहीं सकते हैं क्योंकि उसके लिए थोड़ा लंबा भी रोड चाहिए और थोड़ा खाली भी, और मेरे चैनल पे टॉप स्पीड टेस्ट वाली वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। और हम इसको रेगुलर यूज में जो भी भगाते हैं वो मेरा होता है हार्डली 130, उससे ज़्यादा नहीं भगाते हैं भाई, क्योंकि उसके बाद आप बाइक नहीं भगाओगे, बाइक आपको भगाएगी, समझ रहे हो। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पिठोरिया चौक, सुनने में आया है कि इधर मामू लोग रहते हैं भाई, चेकिंग होती है सामने, बट आज तो नहीं है, कोई भी नहीं है। मेन राइड तो भाई यहाँ से स्टार्ट होती है पिठोरिया के बाद से। क्या अपने वॉइस आ रहे हैं, पता नहीं। हस्ती ब्रो, बस्ती ब्रो।
सड़क सुरक्षा का ज्ञान लो तभी मिलेगी, क्या मिलेगी यार, ठीक से पढ़ने नहीं सके। जय हो बचा लीजिएगा, ऐसे नहीं बोलते हैं, अच्छे से बोलो, श्रद्धा के साथ बोलो। क्या मजाक है यार, हर्ष भैया तो पूरा लिटा रहे हैं यार, पूरे पिलियन में यार, लगता है हम लोग सनसेट देख पाएंगे इस बार, टाइम से पहुंचने वाले हैं। देखो हम यहां तक मार रहे हैं लीन, मेरे यहां तक गया है और हर्ष भैया का भी यहां तक गया है। भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट सनसेट यहाँ से देखने को मिलेगी, अगर यहाँ पे हम लोग रहेंगे तो जरूर देखेंगे, बिल्कुल नेतरहाट वाली वाइब। यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ हो गया यार देखते देखते, सो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे कुछ खाएंगे क्योंकि भूख भी लगी है। अरे 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 अच्छा गया था, अच्छा गया था, हो गया हो गया हो गया, हाँ लंबी विली है ये, हाँ हाँ दिखा उनको, हर्ष भी उनको रोक रहे हैं क्योंकि विली तो प्रॉपर सही उठा था बट अब चांसेस है कि वो गिर सकता है। थोड़ी सी लंबी जा रही है अब, चलो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू, इतना दूर से आया पीछा करते करते वो लोग, बस ये बोलने के लिए कि विली तगड़ा था बताओ। तो यहाँ पे हम लोग आए खाने के लिए और बहुत भयंकर वाला भूख लग रहा है भाई, कूलर, अरे भाई फुल इज्जत, पहले पेट पूजा करते हैं भाई उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। हम लोग को खाते पीते काफ़ी लेट हो चुका है और अभी टाइम कितने बजे, देखो 7:25 बोले तो 7:30 बज चुके हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं पतरातू से। क्या हुआ देख रहे हो ना, भोगी द क्यूट भोई, गंदे गंदे इशारे करता है लड़का। भाई हमको लगा था ना कि घाटी है तो ठंडा ठंडा हवाएं चलेगी बट भाई लिटरली इधर पूरा गर्मी लग रही है, इतना पेड़ पौधा होने के बावजूद भी। जोश दिला दिया उसको, अभी देखना मारवे करेगा वो। देख रहे हो ना, हम लाइफ में पहली बार ऐसा राइड आए हैं जिस पे हम काफ़ी लेट के बाद घर जा रहे हैं। अरे 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 नहीं भाई, मेरा तो नॉर्मल सा एग्जस्ट है एकदम स्टॉक वाली। तो फाइनली हम लोग इंटर कर चुके हैं रांची मेन सिटी और इधर देखो क्या यार क्या चल रहा है, मेरा फ्यूल ख़त्म होने वाला है तो भाई फ्यूल करा लेते हैं, कल पता नहीं कहाँ निकलना पड़ जाए। फुल 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 कराते हैं। देखते हैं कितना का आता है ठीक है, क्योंकि टंकी मेरा ऑलमोस्ट खाली है, हाँ ऑलमोस्ट खाली ही खाली था, एक सेल था वो भी ब्लिंक कर रहा था। अभी है, आ जाएगा आराम, आ जाएगा आ जाएगा, हाँ बस 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 का, हाँ 20 का कर दीजिए। अरे भाई तो अपना टंकी फुल हुआ 831 रुपीज़ का, 831 रुपये में अपना फुल टंकी भाई। यहाँ पे और कुछ दिखा रहा है नहीं, यस कर दे रहे ना, यस करते हैं क्या होता है देखते हैं। अरे यार यहाँ पे तो तेल गिरा रहा है नीचे में, ऐसा मत करो मेरी जान, पेट्रोल अगर गिर रहा है तो भाई उस पर पानी वगैरह मार दो, वो लोग ऐसे ही छोड़ दिया था, भारी रिस्क। चलो यहीं से निकलते हैं ना, गुड नाइट। तो चलो भाई अब फाइनली अपने घर निकलने की बारी है,
आप लोग से कुछ चीजें शेयर करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बोलते हो कि भाई आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है, तो देखो भाई मेरी ड्रीम बाइक जो है वो है G900। हमको आज से नहीं बहुत पहले से, जब हम पहली बार देखे थे ना G900, तब से ही हमको G900 बहुत पसंद है। जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ना उस बाइक की, वो है उसकी एग्जॉस्ट साउंड, समझ रहे हो। अगर फुल सिस्टम लगवा रहे हो, एरो लगवा लो, एसी प्रोजेक्ट लगवा लो, कुछ भी लगवा लो भाई, वो बाइक की आवाज़ हमको स्पेशली काफ़ी पसंद है। और जब हम उसमें चक्का उठाएंगे ना, और चक्का उठाने से पहले जब क्लच छोड़ेंगे, थोटल मारेंगे और भाएँ करके जो उठेगा ना भाई साहब, सोच के ही घुसम आने लगते हैं। सीरियसली वो बाइक लेंगे, कभी ना कभी वो बाइक आएगी अपने पास, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और हम स्टिल वेट करने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि सब्र का फल मीठा तो होता है, साथ में सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वाली ब्लॉग पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। साला भटियारा, यहाँ बाप को गाड़ी में तेल भरा भरा के हालत खराब है, तुम यहाँ छोरी को लेकर घूम रहा है। तेरा मुंडी फोड़ देंगे, तुम घर आओ ना पहले। अब तुम रे बाबू चिपक के काहे बैठा ले, कंधा पे चढ़ के बैठ जाओ, बैठ जाओ ऊपर चढ़ के मुड़ी पर। घर आ रहा है साला भटियारा।